अस्सलाम वालेकुम। मतलब आ गया है ये अल्लाह वादे मित्रों के दसरे हब्दो बार बार शुभाशी करो इधर जूते ईद मिलाद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अंजुमन इस्लाम की तरफ से एक जश्न मिलाद फूड फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग होटल के क्यूजिन रहेंगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डिशेस चाट है, फिर बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए कपड़े या जो भी बच्चों के लिए खेलने का सामान भी मिलेगा। ये हम उत्सव इसलिए मना रहे हैं कि सभी मिल के रहे, सभी जाति सरक सभी धर्म, हम चाहे दशहरा हो या ईद मिलाद हो या दीपावली हो या रमज़ान ईद हो या बकरीद हो, यही सब त्यौहार हम सब देशवासी मिल के मिलाए और सब खुशी से मनाए, सबके संबंध अच्छे हो। आपने देखा है कि हम अंजुमन इस्लाम में जो हमारे टीम थी, जो हमारे यंगस्टर्स थे, कोविड में क्या काम किया है। यहाँ पे कोविड सेंटर भी चालू किए, मेडिकल सेंटर भी चालू किए, अलग अलग जगह मेडिकल कैंप्स किए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का किए, कब्रिस्तान में और स्मशान में जो काम अंतिम क्रियाक्रम का था वो किए। मेन चीज़ यही थी कि हमने और हमारी टीम ने यही बात बताई थी कि ऐसे वक्त पे जाति या धर्म ना देखा जाए, और हमें खुशी होती है और फ़ख्र है एंड वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव सर्व्ड ह्यूमैनिटी, वी हैव सर्व्ड द पीपल ऑफ बेलगाम एंड सराउंडिंग एरियाज विदाउट लुकिंग एट कास्ट एंड ग्रीड। और यही हम फूड फेस्टिवल में बताना चाहते हैं कि हम सब मिल के मनाएंगे, हम सब को दावत देते हैं कि अपने फैमिलीज के साथ में, अपने बच्चों के साथ में आप आइए, इस चीज़ का आनंद लीजिए, हम आपके साथ में हैं और हर सहूलत आपको यहाँ की भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही बताते हैं कि सभी मिलके, जैसे पहले भी मैंने कहा, चाहे ईद हो या दूसरे त्यौहार हों, सभी मिलके मनाएंगे, सब खुशी और सब अमन और शांति के साथ में हम हर चीज़ मनाएंगे। 6-8 घंटे दिन का, 7 घंटे दिन का इवनिंग। ज़्यादा करके लोग शाम में ही रहते हैं, शाम में 6 बजे से 10 बजे तक, 11 दिन, 4 तारीख से 14 तारीख। वी कैन से इट इज़ पार्टली कमर्शियल, इट द प्रोसीड्स विल गो टू द इंस्टीट्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर चिल्ड्रन। देयर माइट बी अ नॉमिनल एंट्री फी ऑफ ₹5 or ₹10 जस्ट टू सी दैट पीपल डोंट कम एंड गो। वी आर मेनली डूइंग दिस टू इंटीग्रेट ऑल कम्युनिटीज, लेट ऑल कम्युनिटीज मीट, कम सिट टुगेदर, ईट टुगेदर, एंजॉय टुगेदर, एंड वी आर एज एन इंस्टीट्यूशन वी आर डूइंग इट एट अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, वी आर डूइंग इट एट दैट बेसिस। कमर्शियल मीन्स the infrastructure has to be maintained, the infrastructure has to be paid for, the hotels would have to
they bear the cost of something. It will be a no cost, no profit, no loss basis. Assalamu alaikum. मैं अरशद मोमिन अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की तरफ से 4 तारीख नवंबर की 4 तारीख से 8 तारीख तक सीरतुन्नबी के मुतालिक प्रोग्राम मुकाबले तय किए गए हैं, जिसमें तक किरात का मुकाबला, तहरीरी मुकाबले और नात शरीफ के मुकाबले और इसी तरह से दूसरे जो है मुकाबले मुनक़द किए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल से लेकर इस प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल के और इसमें कॉलेजेस के भी मुकाबले हैं। इसी तरह से किरात के मुकाबले में सिर्फ मदरसों के तालिब इल्मों को रखा गया है और आप तमाम से गुजारिश है कि इन तमाम मुकाबलों में आप शरीक हों और इसका खूब लुत्फ़ उठाएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जो भी मालूमात है इंशाल्लाह आपको इस तहरीरी और तकारीरी मुकाबलों के ज़रिए मालूमात होंगे और इसमें शरीक होकर हमारे इस जलसे को कामयाब बनाएं। लोगों ने पिछले 2-3 साल से कोई बड़ा इवेंट अंजुमन के तरफ से इनकार नहीं किया गया है, ये इस तरह इस मरतबा सीरतुन्नबी के ज़रिए से हम लोग एक बेहतरीन और बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़द कर रहे हैं, इसको कामयाब बनाएं। साथ ही साथ एक फूड फेस्टिवल का भी हम प्रोग्राम मुनक़द कर रहे हैं, जिसमें आप कसीर तादाद में हाजिर रहें। यहाँ हर तरह के आपको तरह तरह के जायकेदार खानों का लुत्फ़ उठाएं और इसे कामयाब बनाएं। और इसकी तफसीलात इस तरह से हैं। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इल्मी और सकाफ़ती मुकाबलों का इनेकाद अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की जानिब से आप तमाम को इस बात की इतला देते हुए बड़ी मुसरत हो रही है कि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की जानिब से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहरी सतह पर उर्दू अंग्रेज़ी मीडियम प्राइमरी हाई स्कूल PU कॉलेज के तलबा के लिए इल्मी और सकाफ़ती मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। ये प्रोग्राम मरीखा 4 अक्टूबर 2022 तक 10 अक्टूबर 2022 तक अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में मुनक़द होंगे। 10 अक्टूबर 2022 को तकसीमी इनामात का इजलास मुनक़द होगा। कामयाब तलबा को नकद इनामात, ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। लिहाजा आप अपने प्राइमरी हाई स्कूल PU कॉलेज से मंदरजील तफसीलात के तहत हिस्सा लेने वाले तलबा के नाम मौरिखा 3 अक्टूबर 2022 तक अंजुमन इस्लाम हाफिज में शाम 5 बजे तक पहुँचा दे नवाजिश होगी। तफसीलात इस तरह से है, मौरिखा 4 अक्टूबर 2022 बरोज़ मंगल किरात मुकाबला वक्त सुबह 10 बजे से सिर्फ अरबी मदरसों के बच्चों के लिए है। मौरिखा 5 अक्टूबर 2022 बरोज़ बुध नात गवाही 5वीं तथा 7वीं जमात के लिए है। वक्त दोपहर 3 बजे से अंजुमन लाइब्रेरी हॉल और ऊपरी हिस्से में ये मुकाबला रखा गया है। मौरिखा 6 अक्टूबर 2022 बरोज़ इमारत तकारीर मुकाबले हाई स्कूल तलबा PU कॉलेज के लिए तलबा दोपहर 4 बजे से हाई स्कूल तलबा के लिए ये मुनाकत किया गया है। मौरिखा 7 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुमा तहरीरी मुकाबले हशम त दहम जमात तलबा के लिए वक्त दोपहर 4 बजे से मुनक़द किया गया है। मौरिखा 10 अक्टूबर 2022 बरोज़ पीर तकसीमी इनामात व बयानात उलमाए कराम दोपहर 4 बजे से बमुकाम अंजुमन हॉल बेलगाम में मुनक़द किया गया है। इस तरीके से ये तफसीली प्रोग्रामात इस अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के मातहत जो है मुनक़द किए गए हैं। सदर आसिफ नूरुद्दीन सेठ, सेक्रेटरी आसिफ समीउल्लाह माढ़ी वाले की जानिब से जो है ये ऐलानात मुनक़द किए गए हैं। शिरकत करने वाले तमाम तलबा के लिए सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा और जो मदारिस के बच्चे हैं और हाई स्कूल के बच्चे हैं और प्राइमरी के बच्चे हैं, PUC कॉलेज के बच्चे हैं, इन तमाम शिरकत करने वाले तलबा के लिए पहला इनाम जो है 10,000 रुपये रखा गया है, दूसरा इनाम जो है 7,000 रुपये रखा गया है, तीसरा इनाम जो है 5,000 रुपये रखा गया है।